माँ की वजह से छोड़ना पड़ा घर, फिर भी नहीं मानी हार। ट्यूशन पढ़ाकर अपने पढ़ाई का खर्च उठाया। संघर्ष के दम पर झुग्गियों में रहने वाली लड़की बनी आईएएस। उर्मूल जन्म से ही दिव्यांग पैदा हुई, लेकिन दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाकर देश के सबसे मुश्किल परीक्षा को पास किया और गरीबी से सबसे मुश्किल हालातों से लड़कर अपनी मंजिल पाली। अट्ठाईस साल की उम्र में शरीर में 15 फ्रैक्चर थे। उन्मूल के कदम कहीं डगमगाए नहीं। 2014 में जापान में इंटरनेशनल प्रोग्राम में गई और ऐसा करने वाली भारत की चौथी महिला बनी। आईएएस सक्सेस स्टोरी में आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आप दिल से उसे सलाम करने लगेंगे। इस लड़की का नाम उन्मूल खेर है। उन्मूल जन्म से ही दिव्यांग पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने दिव्यांगता को अपनी ताकत बना लिया और झुग्गी बस्तियों में रहने से लेकर आईएएस बनने तक का सफर तय किया। मीडिया से बात करते हुए उन्मूल ने अपने संघर्षों की दास्तान बताई है। आइए जानते हैं इस बेमिसाल सक्सेस स्टोरी के बारे में। उन्मूल का जन्म राजस्थान के पाली मारवाड़ में हुआ था। उन्मूल अजेले बोन डिसऑर्डर बीमारी के साथ पैदा हुई थी, एक ऐसा डिसऑर्डर जो बच्चे की हड्डियों को कमजोर कर देता है। हड्डियां कमजोर हो जाने की वजह से जब बच्चा गिर जाता है तो फ्रैक्चर होने की ज्यादा संभावना होती है। इस वजह से 28 साल की उम्र में उन्मूल को 15 से भी ज्यादा फ्रैक्चर हुए। उन्मूल ने बताया कि दिल्ली में निजामुद्दीन के पास झुग्गियां हुआ करती थी, उसी झुग्गी इलाके में उन्मूल का बचपन बीता। उन्मूल के पापा फुटपाथ पर मूंगफली बेचा करते थे। 2001 में झुग्गियां टूट गई, फिर उन्मूल और उनका परिवार त्रिलोकीपुर इलाके में चला गया। त्रिलोकीपुर में किराए के मकान में रहने लगी। उस वक्त उन्मूल सातवीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। घर में पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई की राह आसान नहीं थी, मगर जज्बे की धनी उन्मूल पढ़ना चाहती थी और इस वजह से अपना खर्च उठाने के लिए उन्मूल ने खुद ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उन्मूल जब स्कूल में थी तब उनकी माँ का देहांत हो गया। उन्मूल की सौतेली माँ के साथ उन्मूल का रिश्ता अच्छा नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और उन्मूल की पढ़ाई को लेकर घर में रोजाना झगड़े हुआ करते थे। ऐसे में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्मूल अपने घर से अलग हो गई तो वो 9वीं कक्षा में थी और धीरे धीरे समय बीतता गया। उन्मूल का जेएनयू में मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए एडमिशन हो गया। यहाँ उन्मूल ने साइकोलॉजी की जगह इंटरनेशनल रिलेशन चुना। 2014 में उन्मूल को जापान के इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में चयन हुआ और 18 साल के इतिहास में सिर्फ 3 भारतीय इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो पाए थे। उन्मूल ऐसा करने वाली चौथी भारतीय बनी थी। एमफिल पूरा करने के साथ साथ उन्मूल ने जीआरएफ भी क्वालिफाई किया और अब उन्मूल को पैसे मिलने लगे। जनवरी 2016 में उन्मूल ने आईएएस के लिए तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। उन्मूल ने 420 रैंक के साथ ये परीक्षा पास की। उन्मूल का कहना है कि वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती हैं और अब भी उन्हें हर तरह का आराम देना चाहती हैं जो कि उनका हक है। वैसे उन्मूल की ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।